जाने क्या है भविष्य मालिका, जिसमें की गई है तीसरे विश्व युद्ध से लेकर कलयुग के अंत और कल की अवतार की भविष्यवाणी। क्या आने वाला है तबाही, क्या है इस ग्रंथ में। इस वीडियो में बहुत ही सरल भाषा में बताया और समझाया गया है, पूरा विस्तार से जाने और समझे। भविष्य मालिका एक ग्रंथ है जिसे उड़ीसा के संत अच्युत्यानंद जी महाराज ने लिखा है। सनातन धर्म कई बड़े पुराणों के निर्माण का प्रतीक है और यही पुराण भारतीय संस्कृति की नींव है। हिंदू धर्म के पुराणों में जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल सकता है, लेकिन पौराणिक समय के संतों में से एक संत अच्युत्यानंद के पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल को देखने की अद्भुत शक्ति थी। इन्हीं संतों ने भविष्य मालिका की रचना ताड़ के पत्रों पर की थी और यह भविष्य मालिका ग्रंथ ने कई बड़ी भविष्यवाणियां की है, लेकिन सबसे ज्यादा भविष्य के विषय पर 318 पुस्तकें संत अच्युत्यानंद दास द्वारा लिखी गई हैं। आज हम आपको भविष्य मालिका की कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणी बताएंगे। तीसरे विश्व युद्ध की होगी शुरुआत। भविष्य मालिका में 2022 से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की भविष्यवाणी की गई थी। जैसा कि आप जानते ही होंगे, रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध अभी भी जारी है और हाल ही में इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2022 में विश्व युद्ध की नींव रखने के बाद 2025 में भीषण युद्ध में तब्दील हो जाएगी। इंसानियत केवल नाम की रह जाएगी और हस्ती खेलती धरती आज तक की भीषण त्रासदी देखेगी। आकाश में दिखेंगे दो सूर्य। इस भविष्यवाणी में आसमान में दो सूरज दिखने जैसा आभास होगा। बताया गया है कि एक तो सूरज होगा और दूसरा कोई और आसमानी चमकती वस्तु होगी, और यह चमकती वस्तु कोई छोटा उल्कापिंड या फिर धूमकेतु हो सकती है। भविष्य मालिका के अनुसार धूमकेतु भारत में युद्ध चलने के दौरान गिरेगा। धरती पर उल्कापिंड एक भयावह घटना होगी जब यह उल्कापिंड दिन के समय में हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। इससे एक बड़ी सुनामी आएगी और सुनामी में ओडिशा के 6 जिले जलमग्न हो जाएंगे। भारत देश पर होगा भीषण हमला। भविष्य मालिका में कहा गया है कि 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 के बीच भारत विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा। भारत को लूटने की साजिश विश्व युद्ध का मुख्य कारण होगा। इसी समय चीन और पाकिस्तान अपने देश की हालत सुधारने के लिए भारत पर हमले की योजना बनाएंगे। चीन हमेशा की तरह खतरनाक साजिश रचेगा। पाकिस्तान सहित अन्य 12 इस्लामिक देश को धार्मिक आधार पर भारत के विरोध में लाने में सफल हो जाएगा। क्या भारत का आखिरी राजा एक हिंदू शासक होगा? भविष्य मालिका के अनुसार ओडिशा में पुरी के आखिरी राजा गजपति महाराज होंगे और वही समयकाल भारत के आखिरी जननायक यानी प्रधानमंत्री का भी होगा, यानी भारत के आखिरी पीएम को भी इसी समय काल में होना है। भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू शासक योगी पुरुष होगा और उसकी कोई संतान नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भविष्य मालिका की भविष्यवाणी कितनी सच साबित हो रही है और यह कितनी सटीक है? अब अगर बात की जाए इसकी भविष्यवाणी की सटीकता की, तो 500 साल पहले कौन बता सकता था पाकिस्तान नाम का भी कोई देश अस्तित्व में आएगा और इतने सारे इस्लामिक देश भी होंगे। कब होगा भगवान कल की अवतार और युद्ध विराम? भविष्य मालिका के अनुसार भारत पर हुए हमले से लोग परेशान हो जाएंगे और दुश्मन सेना चारों ओर से भारत को और जगन्नाथपुरी को घेर लेंगी। इसी समय भारत में गृह युद्ध अपने अंतिम चरण पर पहुंच जाएगा और भारत में सैन्य शासन मार्शल लॉ लगेगा। दुश्मन की सेना भारत के आस्था केंद्र राम मंदिर और बंगाल का काली मंदिर पर हमला करेंगे। इस सुनियोजित हमले में राम मंदिर को नुकसान होगा। भारत के शहरों में आकाश बारूंदी धुएं से काला हो जाएगा। भारत की राजधानी दिल्ली पर ताबड़तोड़ बारूंदी हमला किया जाएगा और इसलिए भारत को कर्नाटक में नई राजधानी घोषित करनी पड़ेगी। भारत में चीनी सैनिक उत्तर पूर्व से और उसके सहयोगी देशों के सैनिक केरल, बंगाल और ओडिशा से भारत में घुसेंगे। इस युद्ध में भारी रक्तपात होगा और कई लोग मृत्यु प्राप्त करेंगे। भारत में चारों ओर केवल विनाश ही विनाश दिखाई देने लगेगा, इसलिए बचे हुए लोग भगवान से इस हमले से बचने की गुहार लगाएंगे। तब इस घटनाक्रम में एक नया मोड़ आएगा और भगवान विष्णु के 10वें महाअवतार भगवान कल्कि सभी के सामने आएंगे। इसको मानना न मानना यह आपकी ग्रहण शक्ति पर निर्भर करता है। हमारा कार्य आपके सामने इस बहुचर्चित मुद्दे के कुछ तथ्य, कहानियां, दावे और भविष्यवाणी लाना था। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आए होगा।